नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना अंतर्गत नगर पंचायत जहानागंज बाजार क्षेत्र के विश्वकर्मा मंदिर के पास महिंद्रा थार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जहानागंज थाना क्षेत्र के बसारिकपुर गांव निवासी रामवृक्ष यादव जहानागंज इलाहाबाद बैंक के पास कई वर्षों से मकान बनवाकर परिवार सहित रहते थे। यहीं से रोजी रोजगार उनका चलता था। नीलेश यादव अपने गांव बसारिकपुर से जहानागंज मकान पर आ रहे थे कि विश्वकर्मा मंदिर के पास चिड़ैया कोट की तरफ से आ रही महिंद्रा थार ने धक्का मारते हुए आजमगढ़ की तरफ फरार हो गया। उपस्थित लोगों ने उनके घर सूचना देते हुए आनंद फानंद में बाजार वासियों ने आजमगढ़ निजी अस्पताल में लेकर चले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जैसे ये सूचना बाजार और घर पर पहुंची, शोक लहर दौड़ पड़ी। हर व्यक्ति शोक संवेदना व्यक्त करने हेतु उनके घर पहुंचने लगा। नीतेश यादव चार भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार गाड़ी के चालक व गाड़ी को हिरासत में लिया है। वह अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कठोर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 9 भारत के लिए आजमगढ़ से अमित खरवार की रिपोर्ट। रात्रि लगभग 11 बजे जहानागंज बाजार के पास, जो थाना जहानागंज अंतर्गत पड़ता है, एक तेज रफ्तार से आ रही थार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे नीलेश यादव, जिनकी उम्र लगभग 28 साल है, इनकी मृत्यु हो गई। इनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 150/24, धारा अंतर्गत 279, 337, 338, 304 ए व 427 IPC का कायम किया गया है। जो थार गाड़ी थी उसको पकड़ लिया गया है और ड्राइवर राधेश्याम गौड़, जो गाजीपुर का रहने वाला है, वो हिरासत में है। शीघ्र ही इसको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, उस प्रकार से गाड़ी क्या नहीं, तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही थी चिड़ैया कोट की दिशा से, और तेज़ रफ्तार के चलाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। किसी कोई मंशा इसमें अभी तक नहीं प्रकट हुई। अगर कोई भी अगर इस तरह का कोई अगर साक्ष्य अदरवाइज भी अगर आता है या कोई देता है, तो उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाए। अभियुक्त जी हाँ, अभी गिरफ्तार कर लिया गया और शीघ्र से न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर यही है। यही है जी। क्यों खड़ी की? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।